बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कौन नहीं जानता आज के टाइम पर इस विश्वविद्यालय को, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप सब देख रहे हैं कपरवार ब्लॉग्स। तो आज हम हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1370 एकड़ 5.5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला है, जिसे काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह बनारस के वंशानुगत शासक द्वारा दान की गई भूमि पर बनाया गया है। साल 1904 में ही एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रख दिया था। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काशी नरेश ने पंडित मदन मोहन मालवीय को जमीन दान में दी। काशी नरेश जी ने मालवीय जी को विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 11 गांव, 70,000 पेड़, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं और 860 कच्चे घर, 40 पक्के मकान दान में दी थी। 1 अक्टूबर 1915 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। 1915 की शुरुआत में 50 लाख रुपए जुट गए थे। कुछ ही दिनों में सोसाइटी के पास 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा हो गए थे। उस टाइम पर बहुत से राजा महाराजा और बहुत बड़े बड़े राजनेता नेता जो थे कि हमारे विश्वविद्यालय बनने में सहयोग किया। सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से छात्रावास है, अलग से हॉस्टल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित 6 कॉलेज हैं। इसमें 3 कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं और बाकी 3 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केवल भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस महान महाविश्वविद्यालय में कुल 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी है और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा पार्किंग है जहाँ पर लोग साइकिल्स वगैरह और बाइक जो भी होता है उन लोगों के पास वो खड़ा करते हैं यहाँ पर। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर MBBS करने के लिए 1,34,000 रुपये लगते हैं, तब जाकर यहाँ पर कोई बच्चा मतलब MBBS की पढ़ाई कर सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार।